देखते रहो ज्ञान टीवी। पृथ्वी पर जब भी कभी विशालकाय जीवों की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहली इमेज डायनासोर्स की ही आती है। वो भी एक दौर था जब संपूर्ण धरती पर इन विशालकाय जीवों का राज हुआ करता था। वैसे तो हम सब यही सोचते हैं कि सारे डायनासोर्स डेंजरस ही होते थे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डायनासोर्स ऐसे भी होते थे जो काफी शांत स्वभाव के थे, जबकि कुछ बेहद ही खूंखार और गुस्सैल प्रवृत्ति के होते थे। कुछ डायनासोर्स शाकाहारी होते थे तो कुछ शिकारी प्रवृत्ति के। इन दैत्याकार जीवों ने लगभग 14 करोड़ सालों तक धरती पर राज किया था, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे इन खतरनाक डायनासोर्स का अंत हो गया। डायनासोर्स रेंगने वाले जीवों के वंशज थे और साइज में काफी बड़े होते थे। एक लंबे अरसे तक पृथ्वी पर राज करने के बाद इनका विनाश कैसे हुआ, ये सब समझने के लिए हमें 6,40,00,000 साल पहले फ्लैशबैक में जाना होगा। ये वो टाइम था जब धरती पर डायनासोर्स चिल्ड आउट होकर मजे में अपनी लाइफ व्यतीत कर रहे थे, लेकिन तभी 10 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से आ रहे एक छोटे से एस्टेरॉयड का टुकड़ा शुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकराता है। हालांकि ये टकराव पृथ्वी से 20 करोड़ मील दूर हुआ था, लेकिन इस टकराव से बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वो शुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर 35,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। इस एस्टेरॉयड का डायमीटर 40 किलोमीटर था, जिसका वजन 2 ट्रिलियन मीटर टन था। शायद अगर ये एस्टेरॉयड चांद से टकरा जाता तो डायनासोर्स का अंत नहीं होता, नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आता, इसकी स्पीड बहुत तेजी से बढ़ी और 35,000 से सीधा 70,000 किलोमीटर हो जाती है। और वायुमंडल के संपर्क में आते ही फ्रिक्शन की वजह से ये भयानक आग के गोले में तब्दील हो जाती है। इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि इसकी चमक को देखकर ही धरती के कई जीव अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे। और जब ये धरती से टकराया तो इसका विस्फोट 10-10 हाइड्रोजन बॉम्ब के विस्फोट के बराबर था। ये एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास धरती से टकराता है और 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा उत्पन्न करता है। जहां पर यह एस्टेरॉयड धरती से टकराया था वहां 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था और इस गड्ढे का सारा मेटल आसमान में धूल के बादल के रूप में बदल गया। इस टकराव के 16 मिनट 40 सेकंड्स के बाद इसकी वजह से धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई और 11.1 तीव्रता का भूकंप आया और इस भूकंप की वजह से आई सुनामी इतनी तेज भूकंपीय तरंगों से सभी सक्रिय ज्वालामुखी भी दहक उठे। इस विस्फोट से होने वाले रेडिएशन इतना ज्यादा था कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख हो गए थे। हालांकि धरती पर चल रही इस प्रलय से उड़ने वाले डायनासोर्स बचे हुए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो हमेशा के लिए बचे ही रहने वाले थे। इस विस्फोट से पृथ्वी पर कई किलोमीटर मोटे धूल के बादल की लेयर बन गई थी और ये धूल की लेयर इतनी मोटी थी कि पृथ्वी तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री तक बढ़ गया था, सभी पेड़ पौधे झुलस गए थे और इसकी वजह से वो डायनासोर्स जो इस विस्फोट से कोसों दूर थे उन पर भी इस विस्फोट का असर हुआ और वो भी इस महाप्रलय से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय के दौरान धरती की लगभग 90% प्रजातियां खत्म हो गई थी और जो बची थी वो थी जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। और इसकी वजह ये थी कि धरती पर जो बड़े आकार के जीव बच भी गए थे, बाकी जीवों के मरने और पेड़ों आदि के नष्ट हो जाने से उन्हें भरपूर मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से इन बचे कुचे विशालकाय जीवों का भी अंत हो गया और इस तरह धरती पर राज करने वाले विशालकाय डायनासोर्स का अंत हो गया। तो ये था डायनासोर्स का अंत। अब आपको बताते हैं कि कैसे उत्पन्न हुए हम इंसान। ये महाप्रलय और डायनासोर्स का अंत किसी अन्य प्रजाति के लिए नई शुरुआत का संकेत भी थे और वो थे मैमल्स। सदियों पहले मैमल्स वैसे नहीं थे जैसे आज हम और आप इन्हें देखते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डायनासोर्स रेप्टाइल्स प्रजाति के थे जो कि अंडे दिया करते थे। डायनासोर्स को आप छिपकली की प्रजाति मान सकते हैं और बस फर्क ये है कि ये छिपकलियां कुछ ज्यादा ही बड़ी होती थी। वही मैमल्स बच्चे पैदा करते थे और हम इंसान भी मैमल्स ही हैं। आप इंसान के अलावा किसी और मैमल स्पीसीज का नाम जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। करोड़ों साल पहले यानी डायनासोर्स के ही समय में ये काफी छोटे छोटे जीव हुआ करते थे। तब ये कुछ ऐसे दिखते थे जैसे आज के टाइम में चूहे, और उस समय ये जीव डायनासोर्स के डर से जमीन के अंदर ही रहा करते थे और बाद में उनका यही डर उनके लिए वरदान बन गया।
और मेनली इन्हीं दो की कमी की वजह से बड़े बड़े प्राणी विलुप्त हो रहे थे और ये साइज में छोटे थे, इसीलिए इन्होंने खुद को इतनी भीषण गर्मी में बचा लिया था क्योंकि धरती पर पेड़ पौधे नष्ट ही होने वाले थे, इसलिए जीवित रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। महाप्रलय के कई लाख सालों बाद एस्टेरॉयड के टकराव का असर पृथ्वी पर कम होने लगा। धीरे धीरे टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, स्थितियां फिर से सामान्य होने लगी थी, लेकिन अब तक पृथ्वी पूरी तरह डायनासोर से मुक्त हो चुकी थी। अब पृथ्वी महाविनाश के बाद जो 5% जीव बचे थे उनमें एडेप्टिव रेडिएशन होना शुरू हो गया था। धीरे धीरे उनमें बदलाव आ रहे थे और यही मैमल्स जो पहले चूहे जैसे दिखा करते थे, इनमें बदलाव आया और इनका साइज बढ़ने लगा। हालांकि ये अभी भी हमारी तरह बिल्कुल नहीं दिख रहे थे क्योंकि इन्हें सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि अन्य प्रजातियों में भी तो विकसित होना था। आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण लगभग आज के जैसा हो गया था। अब एक दिन करीब करीब 24 घंटे का होने लगा था। तापमान भी कम होते होते 24 डिग्री तक आ गया था। इसके बाद टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर हलचल हुई और वो हिस्सा जहां आज हम बैठे हैं यानी कि भारत एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ने लगा है और इन दोनों के टकराव से बना हिमालय और इस पर्वत पर बड़ी बर्फ के पिघलने से अब बनी हमारी नदियां और अब पृथ्वी पर सब कुछ आज के जैसा था। बस कमी थी तो हम इंसानों। लगभग 40 लाख साल पहले अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ली वैली का निर्माण हुआ। इस पर्वत के निर्माण से अफ्रीका के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई और इसीलिए यहाँ पेड़ों पर रहने वाले एपिस जो हमेशा से पेड़ों पर भी रहते थे अब सूखा पड़ने और खाने की कमी की वजह से जमीन पर उतर आए हैं। ये थे एडिपिथेकस रेमेडीज और यही हमारे पूर्वज भी थे। इनकी लंबाई 4 फीट होती थी और इनका ब्रेन सिर्फ एक संतरे के साइज जितना बड़ा होता था। सालों के विकास के बाद इन्होंने 2 पैरों पर चलना सीखा। धीरे धीरे हमारे पूर्वज विकसित हो रहे थे, धीरे धीरे इनका दिमाग भी विकसित हो रहा था। धीरे धीरे इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना, आग जलाना आदि भी सीख लिया था। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इससे उन्हें गर्मी, रोशन और सुरक्षा मिली। पका हुआ खाना खाने से उनकी ऊर्जा बचने लगी और वो उनके दिमाग को विकसित करने लगी और बने होमो इरेक्टस, जो पहले से समझदार थे, आवाजें निकालकर अपनी बात कहना जानते थे, वो एक साथ रहने वाले पहले ह्यूमंस थे। हमने भाषा को बनाया और यही वो सबसे बड़ा विकास क्रम था जिसके बाद हम बने यानी होमो सेपियंस, जिसके बाद बाकी जानवरों की तुलना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी दिमाग, जिसके बल पर हम आज चांद तक पहुंच गए हैं। और तो और करोड़ों साल पहले क्या हुआ था, जो डायनासोर्स खत्म हुए और हम उत्पन्न हुए जैसे इतिहास के कई राज भी पता लगा पाए। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही अन्य रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।